नीतीश कुमार और भाजपा के संबंध टूटने के बाद से अब ये कयास लगाया जाने लगा है कि 2024 में क्या होगा। 2024 को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार बड़ी तेज़ी से उनकी टीम आगे बढ़ रही है, उसमें उनको बिहार से महागठबंधन के 7 दलों का साथ मिल रहा है, वहीं आपको बता दें तो हर हाल में समर्थन करने के लिए मुकेश सहनी भी तैयार नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों से, रणनीतियों से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने प्लान बना रही है उसको लेकर के अलर्ट मोड में महागठबंधन के सभी घटक दल हैं। इन सारी बातों को लेकर के 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवारी को लेकर के नीतीश कुमार को अब तैयार किया जाने लगा है। इसको लेकर के कई बयान भी आ गए हैं और इस बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। जदयू से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा बिहार में नए दौर से गुजर रही है और ये दौर है कि कोई भी उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलतियों के कारण उसके कई जो मजबूत साथी हुआ करते थे, सहयोगी थे और जिन पर भरोसा किया जाता जा सकता था, वो सभी अलग हो गए। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कहा जा रहा है कि रणनीति की चूक थी। एक बिगट परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई है जो 2024 के चुनाव से पहले उसे आजमाना होगा। एक और बात आपको बता दें कि 2024 चुनाव से पहले हमने कल ही आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से बिहार में अग्नि परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है और इस अग्नि परीक्षा में भी आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से महागठबंधन कमर कस चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में, और बार बार ये बातें जहां एक तरफ ललन सिंह उजागर कर रहे हैं, वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ अन्य जो वहां गठबंधन के घटक दल हैं वो भी इस आंकड़े को पूरी तरह से बताने में लगे हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे 303 सीटें प्राप्त हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में और मजबूती से अपने आप को तैयार करना होगा और 10 साल होने के बाद कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के लगातार नुक्ताचीनी हो रही है और इसकी नीतियों को लेकर के लगातार कटघरे में भी खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सब के बीच में आपको बता दें कि बिहार पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होने की तैयारी कर चुका है और लगभग इसकी घोषणा भी कर चुका है। जहां एक तरफ आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा सहित जदयू के कई नेता इस अभियान में लग गए हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी इस अभियान का एक बड़ा हिस्सा है और तेजस्वी यादव के इस अभियान का हिस्सा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मुख्य जो युद्ध होगा 2024 का, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को कई परीक्षाओं से गुजरना है। उसकी पहली परीक्षा बिहार से ही शुरू होगी और इसके बाद उसे 2023 में होने वाले लगभग एक दर्जन के आसपास राज्यों में चुनाव से होगा। इस चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो बिहार में उत्पन्न हो गया है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार अलग हुए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार के साथ कई दल जुड़ गए हैं। इन 6 दलों के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी हुई है और इन सभी दलों में से अधिकांश का जो प्रभाव है वो देश के अलग अलग राज्यों में भी है, चाहे वो वाम दल हों या फिर कांग्रेस हो। इन सब को लेकर के नीतीश कुमार अगर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होगी। भाजपा की जो रणनीति है उस रणनीति में भाजपा बनाम महागठबंधन की संयुक्त शक्ति का परीक्षण होने जा रहा है और इस परीक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े और गोटी बिठाने में लगी हुई है। इसके साथ आपको बता दें कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बिहार से शुरू होगी और उसके बाद 2024 के चुनाव तक जाएगी। अगर महागठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है रह गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा। लेकिन उसके ठीक पहले आपको बता दें कि भाजपा के लिए जो विकट परिस्थिति आने वाली है वो उपचुनाव में आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा की इन 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में भाजपा नए नेतृत्व की
के साथ उतरेगा और इसमें उसके सामने कड़े मुकाबले देने के लिए महागठबंधन एक साथ होगा। पिछली बार तो नीतीश कुमार साथ में थे, उसके बावजूद भी गोपालगंज की लड़ाई तो जीत गई थी भाजपा, लेकिन मोकामा में एनडीए को पिछड़ना पड़ा था। यहाँ से अनंत सिंह का दबदबा है और उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज में सुभाष सिंह के इंतकाल के बाद वहाँ उपचुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर, हालांकि जो समीकरण है महागठबंधन के पक्ष में जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार सुभाष सिंह जो है वहाँ से जीत दर्ज किए और सारे आंकड़ों को, सारे जातीय समीकरण को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। 15 साल से यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है, हमने पहले भी आपको बताया था। लगभग 3 लाख वोटर हैं और 3 लाख वोटरों में जो आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों में जहाँ एक तरफ मुस्लिम और यादव वोटरों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा बताई जाती है, वहीं आपको बता दें कि सवर्ण और EBC को लेकर के भी कहा जाता है कि आंकड़े जो हैं वो लगभग उसके करीब पहुंचते हैं, यानी कि लड़ाई टक्कर की होती है और इस टक्कर की लड़ाई में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को परीक्षा देना है। गोपालगंज पर पिछली बार भाजपा और मोकामा पर राजद की जीत हुई थी। भाजपा अगर गोपालगंज सीट हारती है तो विधानसभा में उसका कद छोटा होगा और इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगी और वहीं मोकामा से भी अपना उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ही उतारेगी। यह उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी परीक्षा लेने वाला होने जा रहा है। बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा जो बदली है उसमें इस उपचुनाव को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। उपचुनाव की तिथि की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह की सजा होने के कारण मोकामा सीट खाली हुई थी, जहां से उनकी पत्नी का खड़ा होने का पूरा चांस मिल रहा है। वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के असामयिक निधन के बाद गोपालगंज में, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि सीट रिक्त हुई है, दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी कि उसकी जीत हो। हालांकि इस जीत के बाद नीतीश कुमार का भी हालत थोड़ा सा महागठबंधन में कमज़ोर जरूर होगा, क्योंकि 81 सीट लेकर के राष्ट्रीय जनता दल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और उसके आंकड़े जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को, और यही वो बात है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार को डरा रही है। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा के लिए राजद की यह ताकत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो आंकड़े हमने आपको गोपालगंज में बताए वो सुभाष सिंह के इंतकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, और चूंकि सरकार में है, इसका फ़ायदा उसे मिलेगा। गोपालगंज सीट पर वापसी के लिए भाजपा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें महागठबंधन में दरार भी डालना पड़ेगा और अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ानी होगी। इन सारी बातों को लेकर के संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ थोड़ा नीचे गया है। सुभाष सिंह लगातार 4 बार यहाँ से जीते हैं, हर बार प्रतिद्वंद्वी बदलता जा रहा है, कभी राजद तो कभी कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती रही है, लेकिन बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस की झोली में दी गई थी, लेकिन वहाँ से सुभाष सिंह की जीत हो गई, आंकड़े और गणित उनके पक्ष में गए। हालांकि महागठबंधन इन आंकड़ों में बार बार हम बता रहे हैं कि मजबूत था। सुभाष सिंह से किसी को टिकट अगर दिया जाता है उनके परिवार के तरफ से तो सहानुभूति की लहर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की दावेदारी यहाँ होने के बावजूद इस बार कांग्रेस वहाँ से उम्मीदवार नहीं देगी, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव की इच्छा पर निर्भर करता है कि ये सीट किसको जाएगी, और ज़्यादा चांस है कि ये सीट जीत करके तेजस्वी यादव अपनी संख्या और बढ़ाना चाहेंगे। मोकामा की सीट राजद के लिए भले नहीं है, लेकिन यहाँ से कई ऐसे बात हैं जिसको लेकर के आशा व्यक्त की जा रही है कि यहाँ से जीत राजद की संभव है। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार जो स्थितियाँ थी बिल्कुल अनुकूल उसी तरह की लग रही हैं, कभी जदयू तो कभी निर्दलीय भी यहाँ से राजद को टक्कर देते रहे हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं
इस उपचुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, और इस अग्नि परीक्षा में यदि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है तो उसके लिए और मुश्किल होगा, और कहीं ना कहीं महागठबंधन का ग्राफ बढ़ेगा जो देश में एक अलग तरह का संदेश देगा। और भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चाहती है। उपचुनाव की घोषणा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के भीतर दरार डालने का कोशिश करेगी, और कोशिश उसकी यही रहेगी कि महागठबंधन के घटक दल उसके साथ जुड़ जाएं। हालांकि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह पर उसकी नज़र है, और आपको याद भी होगा कि गोपालगंज में हाल फिलहाल में ही आरसीपी सिंह का दौरा भी हुआ था। इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी की जो अग्नि परीक्षा होनी है उसको देख करके साफ लग रहा है कि लालू प्रसाद का फॉर्मूला अगर काम कर गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में 2024 से पहले ही भाजपा की दुर्गति लालू का यह फॉर्मूला कर देगा। लालू प्रसाद ने दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव लड़ने की बात बता दी है, और इसके लिए महागठबंधन के सभी घटक दल तैयार हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी भीतरखाने से खबर मिल रही है कि राजी कर लिया गया है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव कमर कस चुके हैं, और अब उनके साथ तो उनके कोच नीतीश कुमार भी हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसी से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन लालू प्रसाद का फॉर्मूला बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में अब चलने वाली नहीं है, और देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि लालू प्रसाद से और लालू प्रसाद की इस रणनीति से, जिसमें दोनों सीटों को जीतने के लिए फॉर्मूला लालू प्रसाद ने दिया है, उस फॉर्मूला से कैसे निपटती है। अगर तेजस्वी यादव की दोनों सीटों पर जीत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा, और 2024 के लिए भी सवाल खड़े हो जाएंगे। बिग स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।